आप देख रहे हैं YMS न्यूज 24। आइए देखते हैं आज की खबर। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से कैलाश यादव के साथ। आज व्यापार मंडल RWA बिल्डर एसोसिएशन ने अपने व्यापारियों भाइयों पदाधिकारियों के साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंका। साहिबाबाद गाजियाबाद शालीमार गार्डन के व्यापार मंडल अध्यक्ष श्री नंदलाल शर्मा, बिल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री प्रताप चौधरी, RWA अध्यक्ष श्री मुकेश यादव जी ने अपने सैकड़ों व्यापारियों और RWA के पदाधिकारियों एवं स्थानीय लोगों के साथ भारत माता चौक शालीमार गार्डन मैन साहिबाबाद गाजियाबाद पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंका। श्री नंदलाल शर्मा जी, श्री प्रताप चौधरी, श्री मुकेश यादव जी एवं सभी व्यापारियों में चाइना का पुतला फूंकते हुए बेहद रोष नजर आ रहा था। अपने देश के वीर जवानों की शहादत का बदला हमारी सरकार को जल्द से जल्द लेना चाहिए। स्थानीय पार्षद सरदार सिंह भाटी ने बताया कि पूर्वी लद्दाख की गलवान वैली में सोमवार रात चीन और भारत की सेनाओं के बीच खूनी झड़प में हमारे देश के 20 वीर जवानों की शहादत हुई है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। इस मौके पर पार्षद सरदार सिंह भाटी ने भारतीय सेना के सम्मान में कहा कि देश प्रेम की डगर पर शीश दान दे गए अमर है वो जो वतन की खातिर अपनी जान दे गए। पुतला फूंकने के उपरांत सभी ने भारत माता की जय, अमर शहीदों का बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान, जय हिंद आदि नारों से गगन गूंज उठा। सभी ने वीर जवानों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। इस अवसर पर पार्षद सरदार सिंह भाटी ने सभी देशवासियों से चाइना के सामान का बहिष्कार करने तथा अधिक से अधिक स्वदेशी सामानों को अपनाने की अपील की, जिससे कि हम सभी देशवासी हमारे देश का धन अन्य देशों को ना जाए तथा हमारा पैसा हमारे देश के व्यक्तियों के काम आए और आत्मनिर्भर बन सके। इस मौके पर नंदलाल शर्मा, पार्षद सरदार सिंह भाटी, पूर्व पार्षद योगेश चौधरी, प्रताप चौधरी, मुकेश यादव, कालीचरण पहलवान, रवि भाटी, कैलाश यादव, सुदीप शर्मा, राजेंद्र चौधरी, सोनू चौधरी, शिवम चौधरी, साहिल ठाकुर, सोमनाथ चौहान, मुन्ना सिंह, दीपक ठाकुर, भोपाल यादव, तेजवीर सिंह, सतीश अग्रवाल, राकेश तोमर, शिव प्रसाद, अशोक भाटी, दीपक चौधरी, समीर सैफी, विजेंद्र मावी, विनोद राणा, मनवीर गोधरा, अमित खन्ना आदि लोग उपस्थित रहे।